आगामी माह में आने वाले त्योहारों के मद्देनजर ठिकरी थाना प्रभारी विनय आर्य ने ग्राम के गणमान्य नागरिक और शांति समिति के सदस्यों को गणेश उत्सव की समिति के सदस्यों के साथ बैठक में आने वाली तैयारियों का जायजा लिया। थाना प्रभारी ने बताया कि सार्वजनिक गणेश उत्सव के पंडाल रोड पर लगाया जाए, साथ ही विद्युत सज्जा हेतु विधि के तरीके से परमिशन ली जाए और विधिवत कनेक्शन लेकर ही बिजली का उपयोग किया जाए। किसी भी प्रकार की झांकी या साउंड सिस्टम चलाने की परमिशन लेना आवश्यक होगा। इस दौरान ग्राम पंचायत ठिकरी और पिपरी के सरपंच और ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर भी उपस्थित थे। इस दौरान ग्रामीणों ने नगर में स्ट्रीट लाइट एवं साफ सफाई का मुद्दा भी उठाया और सुझाव दिया कि साफ सफाई नहीं होने से मच्छरों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और बिना बीमारियां पनप रही है। ठिकरी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। आगामी त्योहारों को देखते हुए शांति समिति, ग्राम रक्षा समिति, नगर रक्षा समिति, व्यवसाय कार्य करने वालों की, व्यापारियों की समिति को आज आमंत्रित किया जा रहा और उनको आगामी त्योहारों में किसको क्या भूमिका निभानी है, वो किस तरह के कार्यों को उनको संपादित करना है, इस संबंध में उनको समझाइश दी गई और एक मीटिंग 8 तारीख को भी आयोजित की गई है, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय और थाने के SDOP महोदय, इनके उपस्थिति में विस्तृत चर्चा करके उनको त्योहारों को शांतिपूर्वक सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखते हुए मनाने की समझाइश दे करके सभी से निवेदन किया जाएगा और जो पुलिस की भूमिका है उसमें उनसे चर्चा की जाएगी। ग्राम रक्षा समिति के सदस्यों को उनके उत्तरदायित्व बताए जाएंगे और जो व्यापारी वर्ग हैं जो त्योहारों के समय पे रोड पर अपने सामानों को रख लेते हैं, उस तरह के वो काम ना करें, ये सब समझाइश दी जाएगी। इसके लिए हमने 8 तारीख नियुक्त किया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। राजगढ़